हाथ में काम नहीं कर रहा, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है ना। तो लेके चलते दोस्तों लकड़ी। काफी सुंदर सुंदर फूल गोभी है, काफी बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा है। हम लोग फूल गोभी को भी निकाल रहे हैं, ये देखिए निकाल लिए हैं दोस्तों अपने हम लोग फूल गोभी को, और इसका हम लोग नाश्ता बनाने वाले हैं। सब्जी बढ़िया से एकदम भून लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, इतना लंबा अच्छा कलर दिख रहा है। सब्जी ही सब्जी क्या, जिसमें हमारी घर की धनिया पत्ता ना हो, कितना सुंदर लग रहा है। ये लोग खा रही है और ये लोग भी खा रहा है चुनुआ मुनुआ। अच्छा नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, और देख सकते हैं सबको एकदम से एकदम खजारी का लड्डू है, एकदम वीडियो में देखे थे हम लोग बनाए थे वाला लड्डू। हाँ वही है, खाए नहीं थे हम लोग। हाँ तो बहुत टेस्टी लगता दोस्तों, खराब नहीं होता, एक महीना तक रख के खाइएगा ना, खराब नहीं हुआ। और इस तरह से देख सकते हैं सिप्पी भी खा रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए कन्हैया भी दूध को ले लिया है एकदम से, हमको नहीं दे रहा है, हम लोग को खाने के लिए नहीं दे रहा है, सबको यही लोग हम लूट लिया है। दोस्तों तो, आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, तो बने रहिए हमारे वीडियो के पास। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज दोस्तों हम लोग का ना मतलब ऐसा त्योहार है कि नहा नहा के खाना चाहिए। हाँ सब कोई स्नान करेगा और एकदम खाना पीना खाएगा। तो आज क्या बोलता है, खिचड़ी ना, दही चीरा है, आज दही चीरा है, खिचड़ी कल है, खिचड़ी कल है, आज दही चीरा है दोस्तों। इतना ठंडा लग रहा ना, एक भी 10 से अधिक हो रहा टाइम, लेकिन अभी तक धूप नहीं निकला, 10 के पार हो गया है। इतना कुआसा सुबह सुबह, इतना कुआसा क्या बोले, एकदम बहुत ज्यादा कुआसा, ठंडा ठंडा नहा लिया और बाल नहीं सूखा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हैं, वीडियो को करते हैं। देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं अपना बाड़ी में, और अभी जा रहे हैं अपना बड़ा वाला बगान में, और वहाँ जा करके भी गोभी तोड़ेंगे, फूल गोभी। और देखिए धूप नहीं निकला है, अभी भी देख सकते हैं इधर चारों तरफ, आज लग रहा है धूप नहीं निकलेगा, आज सही बात नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाड़ी में। तो दोस्तों देख सकते हैं काफी सुंदर सुंदर फूल गोभी है, काफी बड़ा बड़ा है, देख सकते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा है, देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है दोस्तों। और हर जगह ऐसे ही है, ये वाला नहीं फड़ा है ज्यादा बड़ा बड़ा, ये देखिए हर जगह बहुत अच्छा अच्छा है। तो है इस तरह से हम लोग फूल गोभी को भी निकाल रहे हैं, ये देखिए। और ये को नुकसान कर दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं हमारा प्याज इधर निकल गया है, और देख सकते हैं एकदम से निकाल लिए हैं दोस्तों अपने हम लोग फूल गोभी को, और इसका हम लोग अभी नाश्ता बनाने वाले हैं सुबह सुबह। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर गोभी तोड़ लिए हैं, और एक ही तोड़े दोस्तों क्योंकि बड़ा बड़ा नहीं है, और चलिए भी चलते हैं इसको बनाते हैं। तो दोस्तों इसका पत्ता निकाल देते हैं, एकदम मस्त है, ताजा ताजा फूल गोभी है, इसका पत्ता निकाल लेते हैं भी बढ़िया से, यही काट देना निकल जाएगा। हाय देखिए कितना छोटा सा निकला, तो इसको छोटा छोटा टुकड़ा में कट करते हैं दोस्तों भी। बहुत ठंडा, हाथ काम नहीं कर रहा, देख सकते हैं इस तरह से हम लोग एकदम कटिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। और हमारे घर में एक ही मतलब फूल गोभी है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तो हम लोग खरीद के लाए हैं दोस्तों, उसमें से मिक्स कर देंगे, और ये वाला एक दो रहेगा घर वाला, और खरीद के लाए वो वाला दोस्तों मिक्स कर देंगे। ये देखिए इतना सारा हुआ घर वाला। तो दोस्तों हम लकड़ी तोड़ रहे हैं देख सकते हैं, और हम ये लकड़ी बहुत दूर से लाए हैं दोस्तों, आप लोग रेगुलर जो वीडियो देखते हैं उनको पता है कि कितना दूर से और कहाँ से एकदम लाए हैं ये लकड़ी, एकदम बहुत दूर से बहुत मेहनत करके। तो यही लकड़ी दोस्तों अभी ले जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, हाथ में काम नहीं कर रहा, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है ना। तो लेके चलते दोस्तों लकड़ी। दोस्तों इधर चूल्हा बुत के अभी चूल्हा जला रहे हैं, जलाइए, धुआं कर रहा बहुत ज्यादा, जला जल गया। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मम्मी जी, इतना बड़ा बड़ा बेर हम लोग का घर में फड़ा है, देखिए दम लग रहा है, सेब है कैसे पे, सिप्पी बहुत ज्यादा खाता बेर, सिप्पी खाते हैं क्यों, खाता खासे हो जाएगा तो। आलू का पत्ता है दोस्तों देख सकते हैं, बकरी के लिए
ले जा रही है मम्मी। जला चूल्हा जल गया, तो चूल्हा जल गया दोस्तों। इधर हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा देख सकते हैं काफी सुंदर जल गया है, और अभी कढ़ाई चढ़ा देते हैं दोस्तों। हम खटिया में बैठ के बनाएंगे, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, धूप निकला थोड़ा थोड़ा एकदम। लगते हैं यहाँ पे थोड़ा धूप आ गया है इधर। अभी छोटा सा एगो प्याज था, प्याज खत्म हो गया। सिप्पी लाया है आलू, बोल रहा पका दो। बहुत खाता है, पका पका के आलू भी खाता है, और इधर बैर रखा है, बैर भी खा रहा है। हाँ, एकदम सेव जैसा है, बहुत बड़ा बड़ा। तो दोस्तों इधर कढ़ाई गरम हो गया है, अभी सरसों तेल डालते हैं कढ़ाई में। अरे गोभी को ना हम गरम पानी में धो रहे हैं दोस्तों, देखिए एकदम पूरा गरम पानी दिया है। अरे दोस्तों इसको फिर से धो लेते हैं, दो बार एकदम अच्छा से धो लिए हैं। हमारा तेल काफी ज्यादा गरम हो चुका है, और अभी फ्राई करते हैं पहले गोभी को। कढ़ाई में देखिए जल गया एकदम से, बहुत ज्यादा तेल गरम हो गया। आज थोड़ा ज्यादा जल रहा ना, गोभी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, गोभी में भून जाएगा नमक। तो दोस्तों गोभी को भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं पहले दोस्तों। ये देखिए एकदम बढ़िया से फ्राई कर रहे हैं, गोभी फ्राई हो गया बढ़िया से, देखिए पूरा ब्राउन कलर हो गया एकदम मस्त। अभी उठा लेते हैं वो थाली में दोस्तों। दोस्तों यही कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं दोस्तों, और इसी में सब्जी बनाएंगे दोस्तों यही कढ़ाई में। तो तेल गरम हो गया है, और प्याज अभी डाल देते हैं तेल में। प्याज फ्राई हो गया है, और अभी आलू देख सकते हैं इतना सारा कट करके रखे हैं, अभी आलू डाल देते हैं। तो दोस्तों आलू थोड़ा सा फ्राई कर लिए, अब देखिए इतना सारा मटर हम लोग छील के रखे हैं, ये सारा मटर को डाल देते हैं दोस्तों। और मटर को भी अभी थोड़ा देर तक फ्राई करते हैं दोस्तों। आलू और मटर को भी फ्राई कर लिए थोड़ा देर तक, अभी डालते हैं नमक दोस्तों, ये हल्दी पाउडर भी अब डाल देते हैं दोस्तों। तो गोलकी पाउडर देख सकते हैं दोस्तों, इसका पाउडर बना के रखे हैं, पाउडर भी डाल देते हैं दोस्तों। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें है लहसुन मिर्च और अदरक हम पीस के रख लिए थे पहले दोस्तों, अभी सारा मसाला को डाल देते हैं दोस्तों इसमें, और सारा मसाला को भी अच्छा से भून लेते हैं दोस्तों, बढ़िया से मिलाते हैं भी सारा मसाला को। दोस्तों सारा मसाला को भी बढ़िया से फ्राई करेंगे दोस्तों, आलू मटर को और मसाला को सबको एकदम अच्छा से पहले भूनेंगे दोस्तों एकदम। सब्जी तभी टेस्ट लगता है दोस्तों जब एकदम बढ़िया से इसको अगर भूनेंगे तभी इसका टेस्ट बढ़ेगा, तो इसको हम एकदम अच्छा से भूनेंगे पहले दोस्तों। सब्जी बढ़िया से एकदम भून लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, एकदम मस्त कलर दिख रहा है, बहुत लेट तक भूने दोस्तों। अब इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डाल दिए हैं सब्जी में, और अभी गोभी भी डाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि गोभी भी बहुत टाइट रहता है, सब थोड़ा सा पकेगा, इसको भी डाल देते हैं सारा गोभी को। तो दोस्तों सारा गोभी को डाल दिए हैं, और एगो पतीला ढक देते हैं, तो ढक के पकाएंगे थोड़ा जल्दी पकेगा। अभी ढक दिया और अभी पकाते हैं इसको 10 मिनट दोस्तों। धनिया पत्ता तोड़ रहे हैं देख सकते हैं, सब्जी में डालने के लिए पत्ता तोड़ लिया, अभी सब्जी में डालेंगे इसको। तो दोस्तों धनिया पत्ता को अच्छा से धो लिया है, अभी देख सकते हैं इस तरह से कट कर लेते हैं। तो देखते हैं सब्जी बन गया है, हाँ देखिए बन गया है, अच्छा से पक गया एकदम बढ़िया से दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा सब्जी बनके। तो थोड़ा सा टमाटर हम भूल गए थे देने के लिए, अभी भी डाल देते हैं। ये वो सब्जी ही सब्जी क्या जिसमें हमारी घर की धनिया पत्ता ना हो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मिक्स कर देते हैं, देखिए कितना अच्छा बन गया है एकदम, पूरा अच्छा से पक चुका है। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं सब्जी बन गया है, और सिप्पी पत्थर देख सकते हैं मुड़ी हम लदा लिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आज मुड़ी और सब्जी सुबह सुबह खाने वाले हैं, तो सबको पहले देते हैं, उसके बाद सिप्पी तुम क्या लेगा? खजारी। खजारी लेगा? हाँ। किसमें दें?
तो दोस्तों पहले दे देते हैं सबको मुढ़ी, एक एक करके सबको एकदम। और धूप निकल चुका कितना अच्छा से, तो थोड़ा थोड़ा चूड़ा भी दे रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। है देखिए मुढ़ी और चूड़ा, और पानी में इस तरह से फुला रहे अभी। और देख सकते हैं हम लोग सब्जी ले आए हैं दोस्तों। कहाँ है तुम्हारी थाली? और देखिए इसका पत्री ये वाला है। और देखिए और कन्हैया देखिए इतना दो कर रहा है, इतना इतना मांग रहा है, इतना। तो सबको दे दिए दोस्तों इधर मुड़ी और सब्जी खाने के लिए। मिक्स सब्जी है, आलू गोभी टमाटर और सब मिक्स है, धनिया पत्ता और एक चीज भुला गई, मटर। तो देख सकते हैं ये लोग खा रही है और ये लोग भी खा रहा है चुनुआ मुनुआ। कैसा तो लग रहा बोलो, कैसा लग रहा कनी? अच्छा सिप्पी। सबसे खास बात बता देते हैं दोस्तों, हम लोग आज सब कोई नहा नहा के खा रहे हैं। हाँ। यहाँ सब कोई नहाया, सिप्पी कन्हैया मम्मी ये भी नहाया, हम भी नहा लिए, सब कोई नहा के आज हम लोग नाश्ता कर रहे हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। बाय बाय करो कन्हैया, बाय बाय कन्ही, बाय 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 दोस्तों, बाय बाय।